नाम आपका? नेमीजन जैन। कौन से गांव में रहते? चपलाना। ये चपलाना गांव? ये चपलाना गांव। अच्छा, 23 में चुनाव होने वाला है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? आएगी, सबकी इच्छा है कि इस बार पलटा देना चाहिए मतलब। अच्छा, तो कांग्रेस में उम्मीदवार कौन होना चाहिए? नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं। देखो, पार्टी टिकट दे, उसके बाद हमारी तो इच्छा है कि नाटा जी को दे तो अच्छा है। नाटा जी तो 20 साल से है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो भी है, लोगों के दिलों में तो राज कर रहे हैं वो। जिस टाइम थे वो, उस टाइम के राज कर रहे हैं, काम भी किया उन्होंने ऐसा। तो सामने तो बहुत पावरफुल आदमी है। पावरफुल तो अब पावरफुल सामने वालों को दिखता, हमको थोड़ी दिखता। हमको तो मतलब नाटा जी दिख रहे हैं पावरफुल। राजकुमार। राजकुमार? हाँ। कौन सा गांव है? चपलाना। चपलाना। अभी चुनाव हो रहे हैं 23 में, अभी नवंबर में चुनाव होंगे विधानसभा के। हाँ, तो हमारे नाहटा जी या मंगेश साहब को दोनों में तो एक टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, कौन है? नाहटा जी। क्यों, क्या है उनमें सर? उन्होंने अच्छा काम करवाया था पहले उनके कार्यकाल में। राधेश्याम कारपेंटर। जी, भटकड़ी में रहते हैं। बात करिए, बताओ कारपेंटर साहब, विधानसभा के चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला रहेगा इस बार, कश्मकश वाला मामला जो नजर आता है, एक तरफ संभावित विधायक जो है मारो मारू है, तो कांग्रेस ने भी टिकट तय नहीं किया, आप क्या मानते हैं कांग्रेस से? अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस से तो बस नरेंद्र जी नाटा को मिलना चाहिए टिकट। क्या वजह? वजह क्या है, वो पहले भी मिनिस्टर और विधायक रहे हुए हैं और काम भी क्षेत्र में बहुत अच्छा किया उनने, और सभी दूर पूरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ भी है, कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं और संगठन का काम शुरू से वो मजबूत, गांव गांव में मीटिंगें करना और संगठन का काम, संगठन की मजबूती के लिए वो मतलब काम किया उन्होंने और कर ही रहे मतलब पूरे 5 साल से। अच्छा अच्छा तो ये से आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या बोलता है इन सब उम्मीदवारों को लेकर? कांग्रेस का कार्यकर्ता भी वैसे नाटा जी के समर्थन में है सभी। कभी दूसरे को टिकट मिल गया तो कार्यकर्ता कहाँ खड़ा रहे? बिल्कुल, कार्यकर्ता तो जो टिकट जिसको मिलेगा उसका काम करेंगे। तो सपोर्टेज की संभावना कितनी बनती है अगर नहीं मिला नाटा जी को? तो विरोध हो सकता है कार्यकर्ताओं? नहीं, विरोध तो नहीं होगा, कुछ लोग करेंगे तो करेंगे, बाकी विरोध नहीं होगा। नहीं होगा। नाटा जी के जो कार्यकर्ता है वो कभी विरोध करते नहीं है। उमराज सिंह को टिकट मिला, उसमें भी नाटा जी के सभी कार्यकर्ता ने बिल्कुल तन मन से काम किया और उमराज सिंह को जिताने की पूरी कोशिश करी, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया उसका। भाई, इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में, आपको क्या नजर आता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बनेगी, 100%। अच्छा, मनासा विधानसभा की बात करें जिसमें लगातार बहुत सारे दावेदार हैं कांग्रेस के, इस बार क्या लगता है? देखो, विधानसभा तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और राजा उम्मीदवार का अगर नरेंद्र नाटा को टिकट मिलता है तो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा। ऐसा क्यों? उनके ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ है, हर व्यक्ति से संवाद उनका, और कांग्रेस को छोड़ो बीजेपी के लोग भी उनसे उनको पसंद करते हैं। पर वो तो 20 साल से क्षेत्र में नहीं है, 2003 के बाद तो चुनाव लड़े नहीं। उन्होंने मनाचा कहाँ छोड़ा? मनाचा छोड़ा नहीं, 20 साल से कंटिन्यू मनाचा आ जा रहे हैं, वो सब लोगों को सुख दुख में साथ खड़े हैं, लोगों को जुड़ा हूँ उनसे। गांव में लोग क्या कहते हैं? गांव में एक ही पसंद नरेंद्र नाटा, मेरी बड़ा प्रार्थना उनकी है। अच्छा, किसी दूसरे को टिकट मिला तो क्या होगा? उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है कांग्रेस को। जीतेंगे तो सही? जीतेंगे सही, किसी दूसरे को टिकट। हाँ, आप लोग सब काम करेंगे? काम तो करना है, पार्टी काम है, जो पंजा लेके आए उसका काम तो करना है। उसका काम आप करेंगे और हमेशा किया, आगे भी किया, करते रहेंगे ऐसा। हाँ, क्या बात, अच्छी बात करिए आपने आज। क्या नाम है आपका? बालमुकुंद जी नाम। बालमुकुंद जी। हाँ। कौन से गांव? कानखेड़ी में। कानखेड़ी रहने वाले। अब 2023 में विधानसभा के चुनाव है। हाँ। किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की बनेगी। क्यों? क्यों? तो यहाँ से उम्मीदवार कौन होना चाहिए? नाटा जी होना चाहिए। क्यों, क्या है नाटा जी में? सब दम है उनमें सर, वो तो उन्होंने पानी की टंकियों बनाई, उन्होंने स्कूल बनाया, 12वीं तक इन्होंने सभी काम करवाया। तो वो तो चुनाव लड़े नहीं 2003 के बाद? तो लड़ेंगे, लड़ेंगे चुनाव। लोग कहते काम नहीं किया उन्होंने। काम किया है, क्यों नहीं किया? आपने देखा? देखा है। आप मिले उनसे कभी? बहुत सी दफे मिला हूँ। इस बार पार्टी को खड़ा करे तो क्या होगा? जीतेंगे वो। जीतेंगे? हाँ। आपको विश्वास है? पूरा विश्वास। एक बार में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2023 में, इस बार क्या संभावना लग रही है आपको?
इस बार मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना मनासा क्या बोलता है? कांग्रेस से आपके पंजे जो भी लेके आए, वैसे संभावना किसकी लग रही है? संभावना नाडा जी की है, संघी साहब की है, मामा जी की है, या कांग्रेस पार्टी चाहे जिसको टिकट दे। नाडा जी एक छोटे से छोटे व्यक्तिगत कार्यक्रमों में हर जगह उपस्थित होते हैं और व्यक्तिगत संबंध उनका ग्रामीण क्षेत्र में जीवित संपर्क बनाए रखते हैं। हर छोटी बड़ी खबर में वो आदमी सुख दुख में पहुंच जाते हैं। जब वो मंत्री थे तब कुछ काम किया उन्होंने? तब उनके काफी तालाब है यहाँ पे। आज आमलिया पानी समस्या उन्हीं की वजह से हल हुई। चचोर में तालाब स्टॉप डैम है, लोटवास में है, रायपुरा में बहुत तालाब उन्होंने बनाए। इस क्षेत्र में उनके काफी विकास करते हैं। अगर टिकट पार्टी उनको देती है तो संभावना उनकी ज्यादा है नाडा जी चुनाव बनारस से जीत सकते हैं।